छत्तीसगढ़ में इस साल चुनावी साल है, विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनावी साल में सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा बन रहा है तो वो है युवा। युवाओं से जुड़े जितनी भी बातें हैं वो कोई भी दल हो उसको मुद्दा बना रही है, चाहे वो सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन इन सब बातों के बीच में आज फिर से युवाओं की बात न्यूज़बाजी में भी। नमस्कार, मैं नीलेश और आज चर्चा युवाओं से उस मुद्दे पर जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, भर्ती परीक्षाएँ जो हो रही हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो PSC की हो, चाहे वन रक्षक भर्ती परीक्षा हो, और अब एक नया मुद्दा पटवारी परीक्षा को लेकर भी उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, भाजपा की ओर से। ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं उसमें क्या स्टूडेंट जो वाकई तैयारी कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, वैसे अभ्यर्थी क्या सोचते हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? समय नाम निशु कटकवार है। क्या कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं CGPSC की तैयारी कर रहा हूँ लगभग पिछले 2-3 सालों से, 2021 से मैं कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ CGPSC। लगातार 3 साल से तैयारी कर रहे हैं? दो साल से तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी को लेकर और जो ये आरोप लग रहे हैं लगातार PSC के, जो खासकर अभी रिजल्ट आए हैं 2021 परीक्षा के बाद से, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो CGPSC में एक समस्या ये है, और सारे PSC की सबसे बड़ी समस्या ये है कि PSC कट ऑफ जारी नहीं करता किसी भी उस, अच्छा लास्ट फाइनल एग्जाम का नहीं, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम का। ठीक है। हम लोग की सबसे पहले मांग ये है कि भाई मैं पेपर दिया, मुझे इतना नंबर मिला है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरा तो 78 नंबर में हो गया है और मैं इधर काउंट करूँ तो मेरा 81 आ रहा है, तो भाई मेरा क्यों नहीं हुआ? तो सब ट्रांसपेरेंसी तो नहीं आ रही है ना। सबसे पहले तो CGPSC से हम लोग की मांग ये है कि सबसे पहले CGPSC प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी करे कि हाँ भाई OBC का इतना गया, जनरल का इतना गया, SC ST का इतना गया और वेमेंस का इतना गया, और जो अलग अलग जितनी भी कैटेगरीज में है उसमें कितना कट ऑफ गया हुआ है। इस चर्चा में हमारे साथ BJP और कांग्रेस से जुड़े लोग भी हैं, लेकिन मैं उनके पास सबसे आखिरी में आऊंगा। पहले मैं बच्चों की बात सुन लेता हूँ, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों से उद्देश्य उनका है जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से। जी मैम, क्या आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? CGPSC की तैयारी कर रहे हैं जी, और व्यापम के एग्जाम की भी। व्यापम के एग्जाम के लगातार सवाल, खासकर इस साल जबकि चुनावी साल हैं, लगातार उठ रहे हैं, पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जितनी भी भर्ती हो रही है एक आरोप लग रहे हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, और ऐसे रिजल्ट भी आ रहे हैं जिसपे आप अगर इत्तेफाकन उसको देखा जाए तो उस पर सवाल उठाने जैसे मुद्दे भी मिल रहे हैं, आप किस तरह से देखती हैं उसको? ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए सिस्टम में, और कट ऑफ भी जारी करना चाहिए PSC को। और अभी जो पटवारी की मतलब जो भर्ती परीक्षा होने वाली है ना, अभी तो वो पहले मतलब एग्ज़ाम होता था, अब 12th के परसेंटेज के हिसाब से बोल रहे हैं कि होगा, वो तो ये नहीं होना चाहिए। पटवारी के कौन से परीक्षा की बात कर रहे हैं आप? मतलब पटवारी के जो मतलब एग्ज़ाम होते हैं ना, व्यापम जो लेती है, तो पहले एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब शायद मतलब सुनने में आ रहा है कि ये 12th के परसेंटेज के हिसाब से होगा। ये सुनने में आ रहा है, आपका अपनी स्थिति नहीं है इस पर, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, पूछ लेंगे। और पारदर्शिता में आपको कमी क्या लगती है कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो PSC की हो या फिर PSC तो सबसे राज्य स्तर की सबसे बड़ी परीक्षा हो गई, उसके बाद भी जो छोटी परीक्षाएँ भी होती हैं उसको भी लेकर आप का अपने मन में जो सवाल है वो? रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, रिजल्ट मतलब पता नहीं चलते कि कट ऑफ क्या जा रहा है, कैसा सिलेक्शन हो रहा है, ये होना चाहिए। अभी जो हालिया रिजल्ट आया है CGPSC का, खासकर 11 मई 2023 को जो 2021 PSC की परीक्षा थी, उसमें कई सारे अधिकारियों और नेताओं के बच्चों का चयन हुआ है टॉपर लिस्ट में है, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप किस तरह से देखती हैं? इसका मतलब वो होना चाहिए, इसमें एक्शन लेना चाहिए, एक्शन गवर्नमेंट को। आप? मैं व्यापम की तैयारी कर रही हूँ। सवाल से वही आपसे भी, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, आप किस हिसाब से उसको देखते हो? पारदर्शिता पे तो एक स्टूडेंट हमेशा से ही सवाल उठाता रहा है, लेकिन एक कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ध्यान में है एज अ स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, इसकी वजह से मैं उस चीज़ों पे भी थोड़ा सा। स्पोर्ट्स पर्सन भी हो आप, दोनों की तैयारी कर? हाँ, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, तो एक विषय मेरे दिमाग में है जिसको मैं ध्यान में लाना चाहूँगी। अभी वन रक्षक का एग्ज़ाम हुआ जिसका फिजिकल हुआ राजनांदगांव में, उसमें एक बच्चा है, उसका फिजिकल उसने निकाला है 200 मीटर को 13 सेकंड में, हुसैन बोल्ट का 100 मीटर का रिकॉर्ड है। यहाँ अगर मैं आपको, अगर आप दूसरा मामला बता रहे हो तो क्लियर कर देना, लेकिन नहीं एक मामला कवर्धा का था, ये कवर्धा का था, राजनांदगांव में कोई और हुआ है ऐसा मामला? राजनांदगांव में फिजिकल हुआ है फिर से,
अलग अलग जगह नहीं नहीं, ये परीक्षा जो आप बोल रहे हो ना, एक कवर्धा का ये मामला है, उसके अलावा राजनांदगांव में भी हुआ है, राजनांदगांव में भी हुआ है। अच्छा, जिसमें व्यूअर को एक नई जानकारी दे रहा हूँ, ये जो हुसैन बोल्ट का मामला जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो कवर्धा का था, जिसपे स्पष्टीकरण आ गया था विभाग की ओर से कि कोई जो सेंसर लगे थे उसकी गलती थी, गर्मी के कारण वो सेंस सही नहीं कर पाया था, वो तत्काल आया था। लेकिन आप एक नया मामला बता, राजनांदगांव का भी एक मामला है जिसमें हुसैन बोल्ट का 9 सेकंड का है और उसका 13 सेकंड का है, तो ऐसे कैसे वो क्या कुछ मतलब उसका नाम वाम है क्या आपके पास? नाम वगैरह सब वो एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण मुझे लगता है इसमें आपको वो कर लेना चाहिए, क्योंकि हुसैन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है वो 19.19। अच्छा, आप 100 मीटर पे बात करो, हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड 100 मीटर का है, 200 मीटर का नहीं है, 200 मीटर वाले में 19.17 है। हाँ ठीक है, एक नया मामला एक और मिल गया, इस पर भी मैं फिर से इनके पास आऊंगा। और आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं? जी सर। क्या आप लोग की कमी क्या दिखती है सरकारी स्तर पे, क्या मांग है? सर वही ट्रांसपेरेंसी जो है उसको सही करना चाहिए, नहीं पहले जैसे कट ऑफ्स है उनको जारी करना चाहिए, फिर जो मॉडल आंसर जैसे पीएससी इस साल सेकंड वाले नहीं निकाली, फर्स्ट बस निकाली जिसमें बहुत गलती थी, फिर उसको क्या गलती क्या थी, गलतियां कुछ अगर बता पाए तो? गलतियां सर जैसे कि कुछ क्वेश्चन ही गलत होते हैं, जो पीएससी है इतना साल भर लेके क्वेश्चन पेपर बनाती फिर भी कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर उसके बाद आपने कितना दिया है पीएससी के, कुछ प्री एग्जाम दिए हैं? दो दिए हैं। अभी एक डिबेट हमारी और भी हुई थी इस मुद्दे पर, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा व्यूअर्स को, उसमें भी एक जो युवा थे वो यही सवाल उठा रहे थे कि सवाल ही गलत पूछा गया था, आंसर उसके चारों गलत थे फिर भी उस पे नंबर जारी कर दिया गया था। आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो बता सके, अगर याद हो तो? याद तो नहीं ऐसे, पर एक क्वेश्चन था जिसमें जो चार इयर्स दिए थे ना वो चारों गलत थे, फिर भी उसका आंसर ले लिया गया था, और उसके बाद जो सेकंड मॉडल आंसर होता है वो जारी नहीं किया फिर भी रिजल्ट दे दिए प्रीलिम्स। कब से, कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं आप? 2023 में जो हुआ जी सर, जिसका अभी मेंस चल रहे हैं, आज से शुरू हुए हैं, टीचर हैं सर? हाँ जी। देखिए मैं बस ये कहना चाह रहा था कि आज आप लोगों के माध्यम से, ठीक है, न्यूज़बाजी के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, कोई पीएससी कट ऑफ नहीं जारी करती। मैंने बोला कि भाई पीएससी कट ऑफ जारी नहीं करती, तो कोई बोलता है कोई पीएससी नहीं करती, छत्तीसगढ़ पीएससी कब करती है, और पहले तो नहीं होता था। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कट ऑफ जारी करें, आदर्श स्थापित करें ना, यूपीएससी कट ऑफ निकालता है प्रीलिम्स के बाद में, बच्चों को भी जानने का अधिकार है कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होना चाहिए कि जैसे पीएससी में टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स के लिए कमीशन बनने चाहिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले और नए नए टाइप के क्या होने चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए सीजीपीएससी में, तो इससे क्या होगा ना कि एक ट्रस्ट जनरेट होगा पीएससी के लिए, ताकि बच्चे भी जब एग्जाम दिलाएंगे, जैसे बच्चे अपना एग्जाम दिलाता है, कोई एक सपना होता है कि डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो अब वो एग्जाम दिलाता है, तो एग्जाम दिलाता है तो उसके मन में होता है ना एक सपना होता है, जब उसे इस टाइप की खबरें आती हैं तो उसका मन में ना थोड़ा सा वो डिमोरल हो जाता है कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं आज इतना फीस दे के पढ़ रहा हूँ, मैं बाहर से पढ़ रहा हूँ, सभी बच्चे बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, दो दो साल से वेट कर रहे हैं, अगर इस टाइप की चीजें आएंगी ना तो कहीं ना कहीं क्या होगा ना, उनका मोरल डाउन होगा, और अगर राज्य के युवाओं का मॉडल डाउन हो रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई पीएससी जो है ना, जो अगर लग रहा है कि इन सारी चीजों में कमी है तो उसको पहचान करें, चिन्हांकित करें और सुधार करें। चलिए मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसका भी परिचय दे दूँ, मैं पहले देना भूल गया था, ये छत्तीसगढ़ का भिलाई है और भिलाई एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है, और जिस जगह पे मैं हूँ सिविक सेंटर का ये इलाका कोचिंग हब है, तमाम तैयारियाँ जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उनकी कराई जाती है। युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं हमारे साथ और छात्र नेता भी रहे हैं, काफ़ी मुखरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं नितेश मिश्रा। बाकी बच्चों के पास मैं आऊं तो इतने सब मामलों में कुछ और भी आरोप हैं आपके, तो आप भी लगा लो ताकि मैं कांग्रेस वालों से सारे को एक साथ ले लूं जवाब। आरोपों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि छत्तीसगढ़ का युवा निराश है, अगर छत्तीसगढ़ का युवा निराश है तो छत्तीसगढ़ का भविष्य अंधकार में है। अगर सच्चाई की अगर बात की जाए तो केवल हो हल्ला करने वाला युवा इस प्रदेश का युवा का युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह युवा प्रतिनिधित्व करता है जो एक एक क्लास में बैठ कर घंटों और सालों सालों मेहनत करता रहता है। विषय पे आते हैं तो अगर सच्चाई में अगर एक तौर पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सरकार दो तरह के कीर्तिमान रच रही है, एक तरफ भ्रष्टाचार के, दूसरी तरफ ऐसे खिलाड़ी जनरेट कर रही है जो कई बार जमैकन खिलाड़ी का, जैसे कि हुसैन बहन ने नाम लिया हुसैन बोल्ट का, कि एक तरफ उसको सालों साल प्रिपरेशन करने में लग जाता है और 19.20 सेकंड में अपनी रेस कंप्लीट करता है, हालांकि आपने बताया कि सॉफ्टवेयर की गलती थी, सॉफ्टवेयर मैंने पहले क्लियर किया, कवर्धा वाला मामला वो उन्होंने जो एक नया मामला उठाया राजनांदगांव का, अगर सेंसर की गलती थी तो छत्तीसगढ़ वन विभाग ने अभी तक नए परिणाम जारी क्यों नहीं किए,
ठीक है। और एक तौर पे देखा जाए तो एक मंडी चल रही है नौकरी की, आप 15 लाख रुपए दो तो आप पटवारी बन जाओगे, आप 20 लाख रुपए दो तो आप एसआई बन जाओगे, आप 65 से 70 लाख रुपए दो तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, और अगर कम पैसे तो 15 लाख रुपए तो पटवारी बन जाओगे। अभी लगातार है जैसे तो इसकी गारंटी, मतलब आप जो इतने मुखरता से इसको रख रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस से, तो कोई ऐसा है जहां कहां पैसा पहुंचाया जाए? चलिए अगर कोई बोल दे कि मेरे पास है 75 लाख बना दो, तो पैसा कहां पहुंचाया जाए? कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रदेश में लगभग हजारों तिरंगे वाले घर होंगे जिसमें 3 रंग का कांग्रेस का झंडा बना होगा, उनके घर पहुंच जाए कोई ना कोई लाइजनर तो पक्का मिल जाएगा। एक बड़ा आरोप है इसमें, मैं फिर से आऊंगा। पहले कांग्रेस के जो साथी हैं आशीष यादव, छात्र नेता रहे हैं कांग्रेस या बीजेपी से ज्यादा जरूरी मेरे इस डिबेट के लिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो छात्र नेता रहे हो, छात्रों की बात रखते हो, और ये दोनों ही जो दलों के लोग हैं ये गंभीरता से रखते रहे। आशीष, बड़ा आरोप है। पहली बात तो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए कि पैसे लिए जाते हैं, इसका कोई प्रूफ हालांकि नहीं है लेकिन आरोप है, तो उस पर जवाब एक बनता है। दूसरा जो बच्चे उठा रहे हैं, मैं पहले उनसे शुरू करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इनका कहना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए परीक्षाओं में। निश्चित रूप से, मैंने भी अपने बड़े भाई नितेश भैया की बात सुनी, उन्होंने बोला कि सबसे पहला शब्द उन्होंने बोला कि आरोपों का जवाब नहीं दे पाओगे। निश्चित रूप से आरोप होते तो जवाब होते, कल्पनाओं का जवाब कोई नहीं दे सकता। तीसरी बात जो इन्होंने बताई कि जो रेट लिस्ट इन्होंने बताई, मेरे को लगता है रेट लिस्ट भैया को इतनी कंठस्थ तरीके से इसलिए याद है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल से इसी रेट लिस्ट पर काम किया होगा, तो रेट लिस्ट याद होगी तभी वो रेट लिस्ट बता पा रहे हैं। बल्कि हमने तो आज तक सुना नहीं, ना हमको कोई मिला जो हमारी नौकरी लगा दे। मिल गया तो मान लो कोई पैसा लेके आते हैं आपके पास आएंगे नितेश जी। मान लो कोई आ गया, मिल गया जो पैसा लेके आ रहा हो, तब मुझसे ये सवाल ना, मैं जब एनसीसी का बेस्ट कैडेट फाइट कर रहा था रिपब्लिक डे कैंप पे, पूछा गया था कि आप क्या बनना चाहते हैं, मैंने कहा आईएएस ऑफिसर। बोले क्यों बनना चाहते हैं? मैंने कहा पावर के लिए। उन्होंने बोला पावर से क्या करोगे? मैंने बोला समाज को बदलूंगा। उन्होंने बोला उसके लिए घूस देना पड़ेगा। मैंने बोला आईएएस ऑफिसर नहीं बनूंगा। तो मेरा जवाब आज भी यही है कि अगर इस तरीके से बनना हो तो बनने की जरूरत नहीं है, और भी काम है जीवन में जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल आशीष यही होता है ना कि जो बच्चे बनना चाहते हैं, तैयारी करके बनना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, और अगर ये आरोप लग रहे हैं तो बात तो ये आनी चाहिए ना कि पैसा लिया ही मत जा रहा हो, या कोई जांच की बात हो। आज भी एक चीज और मैं व्यूअर्स को अपडेट कर दूं, इस पर आऊंगा। आज मुख्यमंत्री का एक जवाब आया हुआ है एनएसयूआई की, जो राज्य स्तरीय प्रदेश कार्यकारिणी थी उसकी बैठक थी, उसमें मुख्यमंत्री ने बड़ी मुखरता से ये बात कही भूपेश बघेल जी ने कि सीजीपीएससी का जो ये विवाद चल रहा है, लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं खासकर उस बात पर जिसमें कई अधिकारियों नेताओं और जो एक पावरफुल लोग हैं उनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कहने उनका ये कहना था कि अगर कोई ऐसे आरोप जो लग रहे हैं, अगर कोई परीक्षार्थी जो परीक्षा दिया हो अभ्यर्थी वो उठा रहा हो तो मैं उस पर जांच कराऊंगा। चूंकि बीजेपी उठा रही है तो उसको मुद्दा चाहिए और वो उठा रही है, कोई अभ्यर्थी अब तक नहीं उठाया है। आकाश, आप उस बैठक में थे आज? उसी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में था और वहां पे मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर एक भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी जिसने वो परीक्षा फाइट की हो, वो अगर आके मेरे पास कंप्लेन करे, शिकायत दर्ज कराए, तो मैं बिल्कुल उसकी जाँच कराऊंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी पास कोई मुद्दा नहीं और वो इसको मुद्दा बना रही है, तो हम इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए और भी कार्य। हाँ। प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में जितनी भर्तियां निकली हो, 16,000 भर्तियां हो, चाहे वो आत्मानंद स्कूल हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, ऐसे कार्य हुए हैं जो 100% युवाओं के जो युवाओं की सोच थी उससे ज्यादा हुए हैं। और ये देख के ये माध्यम बनेगा आगामी चुनाव में, 6 महीने बाद चुनाव है छत्तीसगढ़ में, ये माध्यम बनने वाला है चुनाव में। नए युवा 5-5.5 लाख नए वोटर इस बार वोट देने वाले हैं और वो वोटर सीधे सीधे भूपेश बघेल जी को वोट देंगे। इस बात से डर रही है भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, इसीलिए वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ताकि डिफेम कर दिया जाए और अभी से माहौल बना दिया जाए कि भ्रष्टाचार हो रहा था। 4.5 साल से ये सोए हुए थे, अभी जागे हैं, ठीक 6 महीने पहले चुनाव। 4.5 साल से सोए थे। मैं आऊंगा बीजेपी के लोगों से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मैं बच्चों को मैं बताया इस पूरे डिबेट में मेरी प्राथमिकता ऐसे लोग हैं जो अभ्यर्थी हैं। में अभी जो हो रहा है, इस सुनाई में जो आ रहा है, हमने जो सुना है वो आज के डेट में हम लोग जैसे कि अभी तक तैयारी करते आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे अगर जो भी बच्चे जिनके मतलब पेरेंट्स पैसे दे के हम लोग को पढ़ा रहे हैं और हम लोग ये सुनाई में आ रहा है कि इतने पैसे में ये चीज़ हो रहा है, तो अपने लिए तो ये मतलब संभव नहीं है कि हम लोग 60-65 लाख दे के डिप्टी कलेक्टर बने। तो हम लोग जो इतना सालों से मेहनत करेंगे तो उसका हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और जो भी पीएससी का जो भी मतलब अभी समस्याएं हैं, जैसे कि उन्होंने कट ऑफ जारी नहीं करते हैं और मॉडल आंसर जो सेकंड देना चाहिए वो भी नहीं देते हैं, तो ये सब मतलब मैं चाहता हूँ कि सीजीपीएससी इस समय सीजीपीएससी में तो बहुत
अभी तो सुनाई आ रहा है कि ये है, सुनाई आ रहा है, आपको अपना क्या लगता है सुनकर और क्या असर पड़ता है उस पर भी बताइएगा। जी सर, मैं जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ सर, मेरे जैसे गांव से है, मैं जिला बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट है मेरा, जिला गांव पुंडरडी है। तो मेरे जैसे कई बच्चे यहाँ एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करने के लिए आते हैं, दूर दूर से लोन लेके पढ़ते हैं। मेरा खुद दोस्त था जो तैयारी कर रहा था गांव से आके, तो एक गांव के लोगों को ये जब ये पता चलता है, छत्तीसगढ़ में बहुत गाँव है तो वहाँ से जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ बच्चों को जो भेजा जाता है उसकी जो विश्वास है पढ़ने के लिए, शिक्षा के प्रति जो विश्वास है वो टूट जा रहा है। तो ये जो विश्वास है इसको बनाने के लिए ये जो CGPSC कई धांधलियां हो रही है इस पे सुधार करना चाहिए। चलिए, धांधलियां हो रही हैं ये अभी प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन इनकी बात बड़ी गंभीर है कि अगर ऐसे आरोप भी लग रहे हैं तो सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए, और ऐसे लोग जो जिनके मन में सवाल उठ रहे हैं कि और उनके जो निराशा आ रही है उस पर उनको बल मिले कि ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। जी आप कुछ कर रहे हैं? सर, हम 2 साल से हम यहाँ CGPSC की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद अंतागढ़ से आता हूँ जो धूर नक्सली क्षेत्र में आता है, ठीक है। मेरे साथ मेरे जो भी दोस्त थे वो कोविड के टाइम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र नहीं है। हमारे राज्य को वैसे भी बदनाम करके लोग नक्सली रख दिए। अभी रिसेंटली मैं घर गया था, घर से आते टाइम घटना है और अंतागढ़ से मैं वाकई पता चल जाता है आपको। तो ऐसा है कि मेरे साथ जो भी दोस्त थे वो सब वापिस चले गए। हम लोग कोविड बैच से 2020 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे जितने भी दोस्त थे सब घर चले गए। इवन हमारे क्षेत्र का ऐसा हाल है कि आज भी वहाँ पे मैंने सोचा कि ऑनलाइन तैयारी हो जाएगी तो ऑनलाइन नहीं हो पा रही, जिस वजह से हम यहाँ आके रह के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ये हो रहा है, जैसे ये 21 का जो रिजल्ट आया उसमें जब ये सब पता चला तो हमारे दोस्त हमको फोन करते जो पढ़ाई में नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं क्या तैयारी करते हो तुम लोग, देखो पैसे हैं पिताजी के तो तैयारी करो, नहीं है तो मत करो, कोई जरूरत नहीं है, देखो ऐसे बड़े बड़े लोगों का हो रहा है, तुम लोग बस बेफालतू भीड़ बनाने के लिए जा रहे हो। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री तो क्लियर कह रहे हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग अपना मनोबल मत गिराओ। कहना ये है, अब कहने के लिए तो सर ने कह दिया, CM सर ने कह दिया कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बात उठ रही है तो कहीं ना कहीं शुरू से कुछ ना कुछ चलता हुआ आ रहा होगा, तभी इतनी बड़ी बात आ चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार गाँव और आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं और कहते हैं कि काफी विकास उस क्षेत्र में हो रहा है, उनके लिए सबसे प्राथमिकता है सरकार, और गाँव के बच्चे और आदिवासी क्षेत्र के बच्चे अगर सवाल उठा रहे हैं उनके पास मैं आऊंगा कांग्रेस के लोगों से बात करने के लिए। एक जो आशीष ने कही बात कि कोई भी अभ्यर्थी क्यों नहीं शिकायत करता है, बीजेपी के ही लोग क्यों इसको मुद्दा, इस विषय पे आने से पहले क्योंकि मेरे भाई ने यानी बड़े आक्रामकता से बोला कि 15 साल बात रख रहे हैं, शिकायत जब इतना कुछ हो जा रहा है तो अभ्यर्थी क्यों। आप 2019 में भी इसी चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, 2020 में भी हुआ था, बूढ़ा तालाब के सामने हुआ था, बूढ़ा तालाब रायपुर में बाकायदा उसके सामने हुआ था। अभ्यर्थियों के सोशल मीडिया के अकाउंट देख देख करके नोटिस भेजा गया था उनको, और उनको आज PSC ने ब्लैकलिस्ट कर दिया और आज वो पेपर नहीं दे सकते हैं। आज जो अभ्यर्थी इसके विरोध में कर रहे हैं, जो पिछले कुछ डिबेट में शामिल हुए थे, उनके पास उनके कोचिंग संचालकों से लेकर सबके ऊपर GST से लेकर सारी चीजों का नोटिस जारी हो चुका है। आज ये स्थिति है। नहीं तो GST नहीं जमा किए होंगे तो भी नहीं नोटिस जारी होगा, ये पहले भी हो सकता था, ये पहले भी हो सकता था। वो वही वाला मसला हो गया कि ED अभी छापा क्यों मार रही है ना। चलो वो एक अलग चीज है, कार्रवाई अगर गलत है तो अभी GST जमा कर दें, और नहीं है तो फिर बाकी बात रखें। आप भी BJP से हैं, सौरभ जायसवाल हैं ये, बड़े भी आशीष यादव यहाँ उपस्थित हैं कांग्रेस के, और पूर्व में छात्र हित में भी काम किए हुए हैं, जैसे भैया ने कहा, मान तो लिया कि छात्र हित में काम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने अभी एक बयान दिया कि भूपेश बघेल के छात्र हित में और युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, उससे डर कर भाजपा भी आगे आ रही है। भाजपा को भाई साहब विषय ही आप अभी दे रहे हो, आप अपने चुनावी दौर को देख के सारी भर्ती प्रक्रिया अभी निकाल रहे हो। और रही बात युवाओं की, तो लगभग 10 से 12 विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं, सभी विद्यार्थियों ने सरकार पे और विभाग पे सवाल उठाया है, तो कितने लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है इसके, आप स्वयं में चुनाव है तो क्या आपके पास जिस प्रकार से आप शराब घोटाला और प्रदेश में PSC घोटाला करके पैसा एकत्रित कर रहे हैं, तो क्या उसी के कड़ी में आगे आप जोड़ते हुए पटवारी में भी घोटाला करके आप पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो वो भी विद्यार्थियों के समक्ष में आप रख सकते हैं। ये पेपर ऊपर लेके आए हो, ये कुछ काम का है या फिर ऐसे पकड़े हो मुद्दे के लिए? नहीं, दिखाना था आशीष जी को। बताओ बताओ क्या है कि अभी पटवारी की परीक्षा होती थी वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के लिए, तो पटवारी उसमें वर्ग 3 में आते थे, तो नारायणपुर अभी पहले परीक्षा ऐसी होती थी कि जिलेवार, अगर आपका डोमिसाइल जिलेवार है तो आप वहां पर रिटर्न की परीक्षा देते थे, उसके बाद इंटरव्यू होता था, उसका सिलेक्शन होता था। अभी वर्तमान में इस सरकार ने यह जारी कर दिया है कि पूरे प्रदेश भर में जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से पटवारी की नियुक्ति होगी और सीधी भर्ती होगी, मतलब
परसेंटेज के आधार पे होगी। यदि आपने 12वीं में 95% लाया है और 94% वाले बच्चे का नहीं होगा, 95% वाले बच्चे का होगा। मेरा इस आपके माध्यम से पूछना है मुख्यमंत्री जी का, कोरोना पीरियड में 2020 से लेकर के 2023 तक सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं। उससे पहले जो बच्चे थे 2019 के आसपास के, वो बच्चे ऑफलाइन दिए थे। यानी ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 2020 से 2023 के बीच में जिनकी ऑनलाइन परीक्षाएं हुई उनका परसेंटेज ज्यादा होगा, पहला। दूसरी चीज, आप क्या इसमें नक्सल धुर नक्सल इलाकों के उनमें परीक्षार्थियों का चांस नहीं खा रहे हैं जो नक्सल प्रभावित थे और जिनको जिनको हमारी सरकार के टाइम में वर्ग 3 और वर्ग 4 के की स्थानीय भर्तियां निकाली जाती थी और वहां पे उनको रिलैक्सेशन दिया जाता था और बाकी कहीं के अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट। गंभीर सवाल है, अगर ये मामले उठ रहे हैं, आशीष आपके पास भी आता हूँ। तमाम सवाल आपने सुन लिए, खासकर बच्चों से शुरू करता हूँ। ग्रामीण इलाके आदिवासी इलाकों के बच्चों के मन में एक डर है, एक वो निराशा में है कि अगर ऐसे सवाल उठ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पर उठ रहे हैं खासकर परीक्षा के, तो सरकार कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देती कि इनका मनोबल बढ़े? बीजेपी क्या आरोप लगा रही है या दूसरे दल क्या आरोप लगा रहे हैं, उससे इनको मतलब नहीं है। लगातार सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बयान दिया वो इस बात का ही परिचय है कि वो बच्चों में छात्रों में विश्वास लाना चाहते हैं। सामने से आकर अगर कोई मुख्यमंत्री किसी वैसे विषय पर जिस पर छात्र परेशान हैं, जिस पर लगातार प्रदेश के छात्रों में बात फैल रही है या अफवाह फैल रही है, उसे खुद सर आकर ठीक से बताना कि अगर इस पर कोई बात होगी तो हम कार्रवाई करेंगे, ये इस बात का परिचय है कि वो संवेदनशील है छात्रों के लिए। नहीं, लेकिन मैं ये बीच में आपको इसलिए काट रहा हूँ, हाँ। क्योंकि नीतीश ने भी एक बात कही कि जो पिछले चुनाव पिछले जो परीक्षा थी उसमें जो उठाए थे उनको नोटिस भेज दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मैं देखना चाहूंगा वो कौन से नोटिस है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई व्यक्ति को परीक्षा से डिबेट में आने की वजह से परीक्षा देने से हड़ताल लूज कर दी गई। ऐसे तो मेरी सारी एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी खत्म हो गई होती है अभी तक। परेशान है तो इस बात को समझना चाहिए एबीवीपी और भाजपा और युवा मोर्चा को कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कम से कम अफवाह फैलाएं ताकि इससे छात्रों का मनोबल ना घटे। अगर ये माहौल बनाते रहेंगे कि कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ, जैसा एक व्यक्ति ने एक छात्र ने अभी बोला कि अरे सुना है मैंने किसी ने किसी के पास प्रूफ नहीं है कुछ, किसी ने किसी तरीके का पैसा लेन देन होते नहीं देखा, कोई रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई, कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस ये है कि सुना है हमने और इनका हुआ है तो कैसे हुआ, पैसा देके ही हुआ होगा। तो ये कल्पनाओं पे ना जाए, ये धरातल पे रहे। तो आधा लेना चाह रहा हूँ मैं, बच्चों के जो सवाल थे मैं उस पर आऊंगा, एक कर लेंगे हम लोग फिर से एक डिबेट कर लेंगे कि जो इनकी उदासीनता है, जो निराशा है। मैं रख रहा हूँ आकाश आपकी बात, बस मैं इतना चाह रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री के साथ आप लोग की बैठक होती है, आज बैठक हुई, ऐसा कोई बात कि बच्चों के मन में जो डर है वो खत्म। वही कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा विद्यार्थी परीक्षार्थी जो मेहनत कर रहा है वो आके हमसे सीधा संपर्क करके हमको होता है कि भैया ऐसा दिक्कत है, सीधा मुख्यमंत्री जी के निवास भी चल दे, वो बच्चा खाली हाथ नहीं लौटेगा, ये मेरा वादा आपके मीडिया में खुले तौर पर बोल रहा हूँ। अगर किसी बच्चों को समस्या है, अगर कोई नेता गलत होता है तो पब्लिकली खुद से आके सामने से ये बातें नहीं बताया कि ऐसा माहौल चल रहा है, हम इस पे सफाई दे रहे। पर आज उन्होंने भरे मीटिंग में, पूरी प्रदेश की मीडिया वहां पे थी उनके सामने, उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चा, एक सिंगल बच्चा भी आके मेरे पास कंप्लेन कर दे कि सीजीपीएससी में दिक्कत हुआ तो हम इसकी जांच करेंगे। अब भाजपा के लोग, भाजुमो के लोग आज मुद्दा है नहीं, चार साल से सोए थे, उनकी बात नहीं, सिर्फ बच्चों की बात छात्रों की बात करें तो मैं बोलना चाहूंगा भैया कि निश्चित रूप से मैं अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री को जानता हूं, उन्हें पहचानता हूं। जो भी बातें आज कही गई जिसमें से दो तीन बातों में बहुत ज्यादा फैक्ट बातें दी जिनको करना चाहिए, जो पिछले 15 साल 20 साल से हमारे यहाँ नहीं हो पाई, छत्तीसगढ़ में क्या काफी जगह नहीं हो पाई, लेकिन अगर ये सजेशन आ रहा है कि कट ऑफ सूची निकाली जानी चाहिए जैसा यूपीएससी निकालती है, पीएससी नहीं निकालती है, तो इसको निश्चित रूप से मांग करनी चाहिए। और मैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की तरफ से 100% इस मांग को अगली मीटिंग में उठाऊंगा अगर मुझे मौका मिल पाया तो, अगर नहीं मिल पाया तो मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो मुख्यमंत्री जी के पास चले और उनके साथ जाऊंगा, क्योंकि अगर किसी चीज को मानने से बेटर इंप्रूवमेंट हो सकता है और बेटर प्रक्रिया हो सकती है और छात्रों में विश्वास आ सकता है तो हमको करना चाहिए। चलिए, छात्र तो पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है जाने में दिक्कत हो, यहीं पे हस्ताक्षर लेकर क्यों नहीं आप लोग पहुंचा देते? अभी आज ही शुभ काम की शुरुआत कर देते हैं, चलो अभी लेटर लिख के हस्ताक्षर ले लेते हैं भैया, लेकिन उसमें लेटर में हम लोग मतलब हम एक सजेशन देना चाहते हैं सर को, हम इसमें नेता की नहीं, सजेशन ही बात पहुंच जाए उन तक, मेरा ये बिल्कुल बिल्कुल, हम सजेशन लेटर अभी बनाना चाहते हैं, मैं अपने लेटर हेड पे दे दूंगा कि हमारा सजेशन है कि सर प्लीज इसमें कट ऑफ सूची लाई जाए। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, प्लीज आप लोग आ जाइए, इन्होंने आपकी बात रखने का वादा किया है, जितने भी कांग्रेस के साथी हैं सत्ता दल के, और मैं चाहूंगा इसमें बीजेपी के लोग भी जुड़ जाए, आप लोग भी सहयोग के साथ, ऐसा नहीं कि पार्टी वाले मामला, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़िए, आपके साथ पग पग पे खड़े हैं पहली, और दूसरी चीज
ये बहुत ही सकारात्मक नोट के साथ इन्होंने आशीष भाई ने और आकाश भाई ने खत्म किया, परंतु शुरुआत बड़ी नेगेटिव नोट के साथ की थी। अगर शुरुआत खराब हो, कोई भूले घर आ जाए तो ठीक है, मैं बच्चों से के पास आ रहा हूँ, बच्चों के पास आ रहा हूँ कि आप लोग क्या हस्ताक्षर करोगे अपनी मांग जो लगातार रख रहे थे कट ऑफ वाली, खासकर आप लोग एक हस्ताक्षर करके दे दोगे तो हम लोग पहुँचा देंगे सीएम। सर हम अपने हक के लिए बिल्कुल जागरूक है, हम बस यही चाहते हैं, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए और हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें उसका फल मिले, बस हम लोग की बात यही है। ठीक है आशीष, आशीष एक कागज लाओ यार, आज काम शुरू करते हैं, आज न्यूज हमारा देखिए उद्देश्य यही है कि हल निकले, हमारी कोशिश यही रहती है कि हल निकले। आप कागज लाओ, बच्चों का हस्ताक्षर ले लो इस मुद्दे पर लिख के, आज बात पूछनी चाहिए। हाँ वो आप डिटेल आप लोग करवा लीजिएगा, मेन पहला मामला एक मुद्दे पे आते हैं, एक मुद्दे पे आते हैं कि आप लोग जो है वो कट ऑफ वाली बात जो है, आज चलिए लिखिए कैमरे के सामने, आज एक शुरू करते हैं मुहिम न्यूज बाजी के थ्रू, मैं जिम्मेदारी के साथ इस मुहिम का हिस्सा बन रहा हूं और इन लोग से लिखवा रहा हूं, बच्चों से, और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि अगर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े लोग इसकी बात वादा कैमरे पे कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचाएंगे। न्यूज बाजी में आप देख रहे हैं कि एक मुहिम की शुरुआत हो गई डिबेट से, बच्चों की जो मांग थी कि कट ऑफ आना चाहिए वो मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का वादा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया है और जो अभ्यर्थी हैं वो उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। तो ये एक हमारा उद्देश्य, मैं लगातार ये कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य सिर्फ कोई हंगामा खड़ा करना या डिबेट में हल्ला मचाना नहीं है, या कोई आकर एक दूसरे को चिप के ऊपर चिल्लाए आरोप लगाए, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, हल निकलना चाहिए और इसकी शुरुआत न्यूजबाजी से आज हो गई है। और दोनों ही दलों के जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हों कांग्रेस के हों, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा कि बड़ी गंभीरता से आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए और उस आरोप का जवाब भी दिया और कोई हंगामा मचाने की कोशिश नहीं की। शुरुआत हो गई मुहिम की, न्यूजबाजी के मन से आज एक नई मुहिम की शुरुआत हो गई, बच्चों का ये की समस्याएं तो आपने सुनी ही, सुझाव भी उनके सुने और क्या उसके हल हो सकते हैं उसकी भी कोशिश शुरू हो गई है। जो कटअप का मेन मुद्दा था कि सीजीपीएससी में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, पैसों का आरोप अपनी जगह है और सारी चीजें जो और अन्य आरोप है वो अपनी जगह है, लेकिन जो सवाल उठने चाहिए थे कि कटअप नहीं आ रहे हैं उसकी एक मुहिम की शुरुआत आज न्यूजबाजी के इस डिबेट से शुरू हो गई, हस्ताक्षर हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आप ऐसे ही आपकी कोई समस्या, कोई सुझाव, कोई शिकायत हो हमारे लिए तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, आप हमें newsbaji.editor@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। पूरी गंभीरता के साथ मैं कहता हूं, मेरा ये वादा है कि आपकी बातों को मैं उठाऊंगा और जिम्मेदारों तक बात पहुंचाने की भी पूरी कोशिश करूंगा और उनसे बेबाकी से सवाल भी करूंगा। आप हमें YouTube के अलावा Facebook, Insta, Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं newsbaji। इसके अलावा आप हमें हमारी तमाम खबरें जो भी छत्तीसगढ़ की हैं, देश दुनिया की हैं, वो समय पर अपडेट खबरें पढ़ने के लिए newsbaji.com को भी फॉलो कर सकते हैं।